अच्छा बजा रहे। शुक्रिया शुक्रिया। अब तुमको नहीं कह रहे इसकी ताली अच्छी बज रही, क्या मस्ताना भाई कैसे बजा रहे हो यार। अबे हम शादी के ट्यून सेलेक्ट करने के लिए आए हैं अपना, यार इसको सुनने के बाद तो शादी करने का मन ही नहीं करेगा भाई। अब एक काम करते हैं, अबे माता पिता वो वाली धुन बजाओ जो कल रात में चौकस टनाटन हमने लेकर तैयार किए, बजाओ बे। हमको नहीं बजाओ बे, डांटो नहीं ना उस्ताद, धुन बजाओ। अबे क्या है मस्ताना भाई, इस ट्यून में भी मजा नहीं है यार, फीलिंग नहीं आ रही है। भैया फीलिंग आए ना आए, सुरीली भाभी जरूर आ रही है क्या? अबे मस्ताना भाई तुम प्रैक्टिस करो, हम आते हैं। अरे सुनो, अरे मेरी बात चली गई, अरे यार एक सेकंड छोड़ गुड्डू खींची तो। अबे यार सुनो साले, मैयत वाली धुन बना, बजा बजा के साले वही हो गए, समझे कि नहीं? सुनो तो, चला गया, हमें लगता है खाली टाइम पास करने आता। अरे हाँ, अरे सुरीली का इंतजार करता है और हमसे तब तक बजवाता है जब तक कि वो आ नहीं जाती। शाहरुख खान के चाचा, अबे शुक्र मना कम से कम कोई बजवाता तो है, वरना आलम ये हो गया है शादी के मैयत तक के ऑर्डर नहीं मिल रहे, कपड़ों से बदबू आ रही सूंघ के। अबे मेरे नहीं अपने अपने सूंघ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे लापतागंज में शादी नहीं हो रही, वो शादी नहीं करता है, साले लौंडे कहां से पैदा होते हैं। अब इतना टांग का फायदा क्या, कोई बजवाता तो है नहीं बैंड। जी उस्ताद, लगता है ये आदमी बैंड बजवाएगा। अबे अबे लग तो रहा है कि यार ये आदमी बैंड बजवाएगा। हाँ उस्ताद, बैंड का बहुत निजी लग रहा है, चल चल खेल ले बे, चल। ये क्या है भाई, समझ में नहीं आया। सैंपल है, अगर पसंद ना आया हो तो हम दूसरा बजा दें, है ना। पहले ये बताइए कि अपनी शादी का बैंड बजवाना है या अपने बेटे की शादी का? अरे भाई हमको शादी में बैंड नहीं बजवाना है। कोई बात नहीं है, हम मैयत में भी बैंड बजाते हैं, वो देखिए मस्ताना बैंड हम मैयत में भी बजाते हैं। अब ये बताओ, अम्मा मरी की बापू लुड़के, नहीं क्या है ना कि हमारे पास मेल और फीमेल के हिसाब से अलग अलग धुन है। कैसी बात कर रहे हैं आप, हमको मैयत में बैंड नहीं बजवाना है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे वैसे बजाना है, हम ऐसे वैसे भी बजाते हैं, बस एक बार बजवा लो एक बार। अरे भाई हम यहाँ बैंड बजवाने नहीं आए हैं। अच्छा तो फिर क्या बजाने आए हैं? वो हम मुकंदी लाल का घर ढूंढ रहे हैं, आपको मालूम है कहाँ है? उनकी शादी में भी हमने बैंड बजाया था आज से 10-11 साल पहले। अरे भैया हमको मालूम है, हम उनके दूर के चचा हैं। तुम तो ये बताओ कि कहाँ रहते हैं वो। बैठिए जी, बोलिए कैसे आना हुआ? भाई मुकंदी तुम तो जानते हो, अब हम हैं आशावादी पुरुष, हमारा तबादला हो गया है पीपलगंज, तो अब ये जो हमारा स्कूटर है ना इसका भी तबादला करवाना है। अच्छा अच्छा, मतलब नंबर चेंज करवाना है। हाँ तो आरटीओ ऑफिस जाइए ना। अरे गए थे हम आरटीओ ऑफिस, कहते हैं पेपर कम है और लगाइए। अब हमने घर में जितने पेपर थे सब लगा दिए, कहते हैं अभी भी कम है और लगाइए। तो रिश्वत मांग रहे होंगे। और रिश्वत हम देंगे नहीं, तुम जानते हो हम आशावादी पुरुष हैं। तुम तो ये बताओ आरटीओ ऑफिस में तुम्हारी कोई जान पहचान है? जी हम तो साइकिल से चलते हैं, आरटीओ ऑफिस के पास तक नहीं फटकते हैं। जैसे बिना साबुन के कपड़ा नहीं धुलता, सरकारी दफ्तर में बिना जान पहचान के काम नहीं होता। अच्छा सुनो जी, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसकी सब तरफ चारों तरफ जान पहचान हो? जी एक लौंडा है। लौंडा? अरे चाचा जी आप बिल्कुल चिंता ना करिए, पापा कसम आपका काम हम चुटकी में कर देंगे भाई। अरे हम पीपलगंज के हर लड़की को पहचानते हैं। क्या? अब मामा कहने का मतलब ये है कि लड़का लड़की मतलब लोगों को पहचानते हैं वहाँ के। कैसे? अब भैया दो बार वहाँ पिट चुके हैं लड़की छेड़ने के चक्कर में। ये साले लपड़ मारे कि वो कैसे रहो? बात ये हुआ कि वहाँ दो लोग लड़की को छेड़ रहे थे, तो भैया बीच में गए बचाने के लिए, तो वो लोग भैया को ही छेड़ दिए, मतलब पीट दिए। आप बताइए आशावादी है ना, क्या करें, सैक्रिफाइस अंदर घुस के बैठा हुआ है डीपली, कुछ कर नहीं सकते, करना पड़ता है ना।
हमको लगता है ये लौंडा अपने काम का है। फिर भी हमें ये लगता है कि आप एक बार ऊपर कंप्लेंट जरूर लिखवा दे, क्योंकि बिना रिश्वत कोई काम करेगा नहीं। और रिश्वत हम देंगे नहीं। तुमको मालूम है मुकद्दी कि हम आशावादी पुरुष हैं? चाचा, बड़े बड़े आशावादी पुरुष सरकारी दफ्तर में घुसे तो आशावादी पुरुष बनकर, पर जब निकले तो या तो वो सिर्फ आशावादी थे या सिर्फ पुरुष। अरे मुकंदी भैया, आप भी ना, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे देखिए, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, पापा कसम, इतना तो जलवा है हमारा। ये है देश का भविष्य। आशावादी पुरुष मुकंदी, इनसे सीखो कुछ बेटा। पर चाचा जी, पापा कसम, हम तो कहते ही हैं इनसे कि आशावादी बनिए, आशावादी नहीं, आशा पारिक बन के रह गए। जब देखो लौकिक सब्जी खाते रहेंगे और कपड़े धोते रहेंगे बस। आई 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 आइए, अबे गुड्डू साइकिल छोड़ दे। भैया आपको चलाने आता है स्कूटर? अबे चलाएंगे तो पता चलेगा बे, समझे? गिराओगे तो नहीं? नहीं चाचा, हम पीछे बैठ के आपको पकड़े रहेंगे। मतलब तुम भी चलोगे? तीन सवारी होंगी तो चालान नहीं होगा। अब चाचा आशावादी हैं, चालान नहीं होगा। लो हेलमेट पहनो। नहीं हेलमेट, हम आशावादी हैं, हमें कुछ नहीं होगा, आप पहनिए। चलो आइए आइए बैठिए। अरे रुको रुको रुको, अरे क्या है? अरे वो सामने ट्रैफिक पुलिस वाला है, तीन सवारी देके रोक लेगा। अरे भाई नहीं रोकेगा, आशावादी बनिए। अब चुप पे बैठिए प्लीज। निकालो निकालो। और गुरु कहते हो? बढ़िया। ए रुको रुको, मैंने कहा था ये स्कूटर यहाँ नहीं चल सकता। अरे क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ से वहाँ तक हम चला के लेके आए स्कूटर, तुम कह रहे हो नहीं चल सकता। अबे रात की उतरी नहीं क्या? अरे ये दूसरे प्रदेश का स्कूटर है, इस प्रदेश में नहीं चल सकता। देखा, तीन सवारी पे नहीं रोका। चालान कटेगा 500 रुपया। देखिए, हम ये स्कूटर लेकर सीधा आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं, स्कूटर का तबादला करवाना है। तो पैदल लेके जाइए, चला कर नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, 500 का चालान होगा। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हम क्या 100 रुपए दो, यहीं खत्म कर दो। देखिए, हम आशावादी पुरुष हैं, हम रिश्वत नहीं देते। चालान कटेगा 500। बड़वा इधर आना जरा सा यार, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना था। अबे तुम दुल्लर के जीजा हो ना, वो गुमशुदागंज वाले? हाँ, तुमको कैसे पता? अरे हम बिजी पांडे हैं, दुल्लर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों का रोज रात दिन उठना बैठना है। खाना साथ खाते हैं हम लोग, रोज मिलते हो तुम? हाँ यार देखो पहचान लिया। तो भैया फिर तुम 200 रुपए दो। दो 200 रुपए क्यों? 2 महीने पहले आया था, 200 रुपए लेके गए हमसे, जब भी जाते हैं घर पे नहीं मिलता है, तुम तो रोज मिलते हो, ले लेना उससे, लाओ। चाची चाचा जी 200 रुपए दे दीजिए। देखो हमने बताया तुमको, अरे हम आशावादी पुरुष हैं, रिश्वत नहीं देते। अरे भाई रिश्वत कौन दे रहा है, ये तो दोस्त का उधार लौटा रहे। दुल्ला दुल्ला लौटा देगा ना आपको, आशावादी बनिए। इतना आशावादी बनना भी ठीक नहीं है। अरे जो अपने जीजा का उधार नहीं लौटा सकता, वो तुम्हारा क्या लौटाएगा? अब हम आशावादी हैं, लाइए ये लीजिए, चलिए बैठ बे। चाचा जी ये पीपलगंज है, यहाँ पे चेन के साथ साथ स्कूटर भी उड़ जाती है। हाँ चाचा जी, फिर बाद में खामखा अफसोस होगा कि स्कूटर तो गया चेन भी गई। कुछ नहीं होगा, हम आशावादी पुरुष हैं, चलो। हाँ हाँ चलिए चलिए आइए। अरे सर पर क्यों चढ़ रहे हैं, बैठिए ना, देख रही हूँ आप ही की फाइल देख रही हूँ, भिंडी काटिए आप, बैठिए। माँ यार, मैंने पहले ही कहा था आपको, ये जॉन आपके पेपर हैं, ये पूरे नहीं हैं। बहन जी, जितने पेपर हमारे पास थे हमने सब लगा दिए हैं, अब तो आप घर में जाके देख लीजिए, हमारे अखबार का टुकड़ा तक नहीं बचा। अरे देखिए ना जरा, उठ के जेब में टटोलिए थोड़ा, कोनो पेपर वेपर होगा उसको नीचे लगा दीजिए। ये देखिए हमारी जेब, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये चाबी है स्कूटर की, और ये 2-4 नोट बचे हैं, और ये हम देंगे नहीं, बताई देते हैं, हम आशावादी पुरुष हैं, हम रिश्वत नहीं देंगे। हाँ चाचा जी, रिश्वत नहीं मांग रही आंटी। लप्पड़ मारेंगे आंटी, कहा तो मालती दीदी हैं हम। सॉरी दीदी। दीदी ये वहाँ चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते, और तुम कौन हो? अरे पापा कसम, आप हमको नहीं पहचानती?
अरे हम विजी पांडे लापतागंज में रहते हैं। लापतागंज के बहुत ही मशहूर लौंडे हैं। यहाँ पीपलगंज में भी इनके चर्चे हैं। अरे आप विश्वनाथ जी को नहीं जानती है? वो जो तेल बेचते हैं। विश्वनाथ जी, अरे वही जिनके दांत बाहर निकले हुए हैं। अरे मुझे पहचान लिया। अरे थोड़े थोड़े से गंजे हैं। गंजे हैं और लगड़ाते हैं। अरे वो जो अलीजाबाद टेलर के घर के पीछे रहते हैं। अरे हाँ दीदी, अलीजाबाद टेलर के ठीक बगल वाला घर हमारा है। हाय भैया, एक काम करो भैया, दो ठो ब्लाउज सिलवा दो हमारे अलीजाबाद टेलर से। काहे? अरे टाइम नहीं मिल रहा है ना जाने का, देख नहीं रहे हो फंसे हुए हैं यहाँ पर। भैया इतनी पुरानी जान पहचान है, इतना काम तो करवाना ही चाहिए। ठीक, करवा देते हैं। आप अपनी स्कूटर चाबी दीजिए जरा। गुड्डू एलिजाबेथ बुला लो यहाँ पे। जा 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 लेके एलिजाबेथ को। अरे स्कूटर चाबी देंगे। लाइक लो। अरे जल्दी ध्यान से चलाना भैया। अरे ध्यान से चलाएंगे। भिंडी काटो, भिंडी काटो। भिंडी काटिए जी। आशावादी हैं आप बहन जी ना। हमारे स्कूटर का तबादला तो हो जाएगा ना भैया? स्कूटर के हेडलाइट को चुरा ले गया। क्या? हमारे स्कूटर की? हाँ हाँ वही, आरटीओ ऑफिस के सामने। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, इतनी क्या बड़ी बात हो गई है। हाँ वैसे भी दिन में हेडलाइट की जरूरत क्या है। टेंशन मत दीजिए, आप आशावादी हैं, आशावादी बने रहिए, भिंडी काटते रहिए समझे। इतनी मोटी मोटी नहीं, थोड़ा पतली काटिए ना। नाप तो लल्लन टॉप हो गए हेंगे, अब बताओ सिलना क्या हेंगे? अरे ब्लाउज सिलना है। कपड़ा किधर हेंगे? ओहो ससुरी यही तो मुसीबत हो गई, अब यहाँ पर इतना व्यस्त रहते हैं कि नहीं निकल पाए बाजार। भाई जरा जा। आ, 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 हम दीदी आप चिंता ना करिए, हम कहे गुड्डू जा जो है ब्लाउज लेके आ जाओ। अब दीदी पैसे दे दीजिए। हद हो गई है, दीदी भी कहते हो और पैसे भी मांगते हो। जॉन बैंक जाने का टाइम कहाँ मिला भैया? 500 रुपए नहीं दे सकते क्या? बाबा हाँ दीदी क्यों नहीं दे सकते। चाचा जी दीदी 500 रुपए दे दीजिए। हम दे दें? हाँ देखो हमने कहा था हम आशावादी पुरुष हैं, हम रिश्वत नहीं देंगे, नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। अरे भाई चाचा जी रिश्वत कौन दे रहा है, तो उधार मांग रही हैं। आप उधार मांग रही हैं? अब हाँ भाई उधार मांग रही हैं। अरे तो ऐसे बोलिए ना, आपको उधार नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई? अब आपका इतना पुराना रिश्ता है, लीजिए 500 रुपए क्या दीजिए। अच्छा अच्छा सुनो, एक लाल एक पीला एक नीला एक हरा एक फिरोजी, 7 रंग का सिल देंगे। हाँ और एक ऐसा सिलना जिसमें 7 रंग हो। ठीक है मैं आके ले जाऊंगी। पर अब हमको कौन छोड़ेंगे? ये छोड़ेंगे। अबे गुड्डू छोड़ क्या हो यार, अरे फिर लेके जाना पड़ेगा, ये हिलते बहुत है भैया। तुम ही लेके आए थे ना, तुम ही छोड़ने जाओगे समझे कि नहीं? आइए। धन्यवाद चाचा जी। ये वाकई बहुत है। बहन जी अब तो हमारा काम हो जाएगा ना? ये लीजिए लगा दिया ठप्पा मैंने, वहां चौबे जी को दिखा दीजिए, वो साइन कर देंगे ना, हो जाएगा। चौबे जी आ रहे हैं ये। चाचा जी आपके स्कूटर में आगे का पहिया था क्या? भाई सुबह जब हम आए थे तो पता नहीं, हमने देखा नहीं था। था भाई तभी तो स्कूटर चल के आया था, हम 3 जन उस पर बैठ कर आए थे। था अब नहीं रहा, लगता है कोई चुरा ले। हमारे स्कूटर का पहिया? हाँ आपके स्कूटर का जिसमें आपने चेन लगाया था। देख रही हैं आप, आपके आरटीओ दफ्तर के सामने हमारे स्कूटर का पहिया चोरी हो गया। अरे कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो रहे हैं, हो जाता है ऐसे। देखिए चाचा जी दीदी सही कह रही हैं, आप आशावादी पुरुष हैं, स्कूटर का पहिया चोरी हुआ ना। अरे यार गुड्डू तुम भी यार इनको परेशान करते रहते हो, आगे का पहिया चोरी हो गया तो पीछे का पहिया निकाल के आगे लगा दो यार। पीछे का पहिया? पीछे का वो? अरे भैया स्टपनी निकाल के आगे लगाओ, पीछे के पहिये को पीछे ही रहने दो। ओके क्या हो गया तुम्हें? पक्का यकीन है ना हमारा काम हो जाएगा ना? बड़ा चरस बो रखा है आपने। अरे हो जाएगा, जाइए अब वहाँ पर लेके जाइए ना इनको। दीदी सॉरी चिंता ना करिए। अरे भाई देखिए चाचा जी आप आशावादी पुरुष हैं, आप आराम से चैन से सो जाइए समझे। हेलो हेलो क्या कर रहे हैं आप? साहब सो रहे हैं। सो रहे जी? क्या बात कर रहे हैं, आंखें तो खुली हुई है। ये ऐसे ही सोते हैं।
ऐसे ही सोते हैं तो जब आंख बंद होती है तब क्या करते हैं? काम करते हैं। अच्छा भैया ये तो सो रहे हैं, अब क्या किया जाए? अरे आशावादी बनिए और आवाज लगाइए। चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी। नमस्कार। नमस्कार। कहिए कहिए क्या है समाचार? चौबे जी इस फाइल में सिग्नेचर करवाने थे। यहाँ यहाँ साइन करवाने हैं आपके। कहाँ? ये यहाँ यहाँ पे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा चाहिए? नहीं, क्या है लड़के की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ रही है, हलवाई से लेकर बैंड वाले तक सबको ढूंढना पड़ रहा है। कोई कहता है 9 बजे आओ, कोई कहता है 12 बजे आओ, कोई मिलता ही नहीं है। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। ये टेंशन के अलावा बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें? अरे तो पापा कसम चौबे जी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। लापतागंज में हलवाई और बैंड वाला दोनों है। पापा कसम 100 किलोमीटर के एरिया में ऐसा हलवाई और बैंड वाला आपको मिलेगा नहीं। लापतागंज का जवाब नहीं है। और ये मिलेंगे कहाँ? अरे भाई हम यहीं बुला लेंगे। एक भी पैसा रिश्वत का नहीं देने वाला, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। चाचा जी या फिर रिश्वत नहीं मांग रहे हैं, हम आशावादी बनिए। इन्होंने हमको सब लोगों को 200 रुपया देने को बोला है, क्यों दूं मैं? मैं आशावादी हूँ। चाचा जी पापा कसम आप बहुत अड़ऊ हैं। अरे भाई अब ये चौबे जी आपका काम करेंगे तो आगे चल के आपकी इनसे दोस्ती होगी कि नहीं होगी? आशावादी बन के सोचिएगा। भाई काम करेंगे तो दोस्ती तो होगी। अब देखिए अब दोस्ती होगी तो कल को इनके लौंडे की शादी बारात होगी, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे भाई, आशावादी आदमी है, जाएंगे। तो शादी ब्याह में जाएंगे तो शगुन देंगे कि नहीं? क्यों नहीं देंगे, आशावादी पुरुष है। नहीं शगुन तो बनता है है ना तो पापा कसम आप रिश्वत नहीं शगुन देंगे, और आपको जो है ना हमारे होते कोई रिश्वत मांग भी नहीं सकता है। अरे भाई अगर शगुन की बात है तो 1000 क्यों है? हम इनको 1001 रुपया देंगे। ये 1000 और ये 1 रुपया। चाचा जी हो गया ट्रांसफर? हाँ जी स्कूटर का तबादला हो गया। भैया अबे स्कूटर ट्रांसफर हो गया। अबे तुमको कैसे मालूम भाई? अरे बाहर चेन से बंधा था, चेन रह गई, स्कूटर गया। क्या है? क्या अरे स्कूटर स्कूटर कहाँ गया हमारा? अरे चोरी हो गया बताया तो था, अब क्या करें? तो चलो ना चल के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तुम्हारी कोई जान पहचान है ना वहाँ? जी वो अरे चाचा जी हम है ना पापा कसम पीपलगंज की लड़के, हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चे बच्चे को पहचानते हैं। लेकिन देखो एक पैसा भी रिश्वत नहीं देंगे हम। हाँ बताई दे रहे हैं हम आशावादी पुरुष हैं। अब हम समझ रहे हैं चाचा जी, यहाँ देनी पड़ी? यहाँ तो खैर नहीं देनी पड़ी है ना? तो आशावादी बनिए ना। हाँ और आराम से बैठिए। कहाँ? साइकिल पे। रुको हम ये चेन खोल ले। अरे भाई रिपोर्ट लिखवानी है, सबूत तो चाहिए ना कि हमारा स्कूटर चोरी हो गया। हाँ ये चेन भी हमारे पास है, हेलमेट भी हमारे पास है। हमारे देश में कितने ऐसे आशावादी हैं जो रिश्वत ये सोच के देते हैं कि वो रिश्वत नहीं है, दस्तूर या शगुन है। पर ऐसा आशावादी होना सबसे बड़ा अपशगुन है।